अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर इस बार मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं का पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर डॉक्टर संजय कुमार धीमान ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से मणिमहेश यात्रा पर श्रद्धालु नहीं जा पाए हैं, इसलिए इस साल यात्रा पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने की उम्मीद है। इस बार लाखों श्रद्धालुओं की गणना करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 19 अगस्त को जन्माष्टमी और 2 सितंबर को राधा अष्टमी पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं के पवित्र डल झील में डुबकी लगाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यात्रा में पुलिस बल को भी पहले ही मुस्तैद कर दिया जाएगा। कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्थानीय बेरोजगार युवाओं की आजीविका को सुविधाजनक बनाने का भी निर्णय लिया गया है। भरमौर में मणिमहेश न्यास की बैठक का आयोजन वीरवार को किया गया। इसकी अध्यक्षता भरमौर के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने की। बैठक में विधायक जियालाल कपूर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर मणिमहेश यात्रा के सफल आयोजन को लेकर रणनीति बनाई गई।